द पर्पज ऑफ नॉलेज शेयर डियर इज ओनली एजुकेशनल एंड टू इंक्रीज अवेयरनेस। प्लीज ऑलवेज कंसल्ट योर फैमिली डॉक्टर बिफोर यूजिंग एनी मेडिसिन। सेल्फ ट्रीटमेंट में ऑलवेज बी इंजूरियस। मित्रों, आइए लैक्टिक एसिड दवा से परिचय करें। वीडियो की हेडिंग तो है लैक्टिक एसिड इन डायबिटीज, किंतु जो लक्षण मैं बताऊंगा यदि वो आपके रोगी में हैं तो लैक्टिक एसिड से कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, रूमेटिज्म, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, पाइल्स, हेडेक, नौसिया, फूड सेट, प्रेगनेंसी की तकलीफें या अन्य कोई भी मर्ज हो, वह सभी ठीक हो जाएंगे। आइए जानते हैं लैक्टिक एसिड के महत्वपूर्ण लक्षण। लैक्टिक एसिड का रोगी भूल जाता है, मेमोरी अफेक्टेड, कैन नॉट रिमेम्बर ए थिंग एन आवर आफ्टर इट हैज हैपेंड। उसे पैरों में बहुत पसीना होता है, पसीने में बदबू नहीं होती, अनयूजुअल परस्पिरेशन ऑफ द फीट विच इज नॉट ऑफेंसिव। बसंत व शरद ऋतु में उसे खांसी आने लगती है, इस दौरान उसे पैरों में पसीना भी होता है। कांस्टेंट कफ, वर्स इन स्प्रिंग एंड फॉल विद फूट स्वेट्स। ईटिंग एमिलियोरेट्स द सिम्टम्स, एमिलियोरेट्स नासिया। मतली व अन्य लक्षणों में कुछ खा पी लेने से आराम मिलता है। एनेमिक पेल वूमेन, ऐसी स्त्रियां जिनका शरीर खून की कमी से पीला पड़ गया है। पेन इन ब्रेस्ट विद इनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी ग्लैंड्स एंड पेन एक्सटेंड्स इनटू हैंड। अस्तनों में दर्द जो हाथ तक जाता है। आर्म पिट में गांठें बड़ी हो जाती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मॉर्निंग सिकनेस, सलाइवेशन, नासिया एंड वॉमिटिंग। गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस, लार बनना, मतली व उल्टी। वेरी सोर माउथ, कैंकर सोर्स, मुंह में छाले व घाव। मच सलाइवा इन द माउथ टेस्टिंग साल्टी। अधिक मात्रा में नमकीन लार बनना। बाथिंग एमिलियोरेट्स हेडेक, स्नान से सरदर्द घटता है। टोबैको स्मोकिंग एग्रेवेट्स स्टमक कॉम्प्लेंट्स, एग्रेवेट्स बर्निंग इरेक्टेशंस एंड एग्रेवेट्स बर्निंग इन स्टमक। धूम्रपान से स्टमक की तकलीफें बढ़ जाती हैं, जलन होने लगती है, जलन वाली डकारें आती हैं। इरेक्टेशंस ऑफ हार्ट एक्रिड फ्लूइड विच बर्न्स फ्रॉम स्टमक टू द थ्रोट। गर्म कैसले पदार्थ की डकार जो स्टमक से गले तक जलन पैदा करती है। इरेक्टेशंस ऑफ बर्निंग हार्ट गैस फ्रॉम द स्टमक काजिंग ए परफ्यूज सेक्रेशन ऑफ टीनेसस म्यूकस विच मस्ट बी कॉन्स्टेंटली हॉट अप एग्रेवेटेड बाई स्मोकिंग टोबैको। आमाशय से जलन कारक गर्म गैस की डकारें जिनके कारण अधिक मात्रा में लिसलेसा म्यूकस बनता है जिसको उसे खखार कर निकालना पड़ता है। आमाशय की यह तकलीफ धूम्रपान से बढ़ती है। प्रोट्रूजन ऑफ पाइल्स आफ्टर ए स्टूल, वेरी पेनफुल, हैड टू सिट डाउन, कुड नॉट वॉक ड्यू टू पेन। पाखाने के बाद बवासीर बाहर निकल आती है, बहुत दर्द होता है, बैठ जाना पड़ता है, दर्द के कारण चल नहीं पाता। सॉफ्ट स्टूल विद हार्ड लम्प्स, वेरी कास्टिव, स्टूल वंस ए वीक
हार्ड ब्लैक मुलायम मल के साथ कड़े टुकड़े, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन, काला कड़ा मल सप्ताह में एक बार होता है, ब्लैडर फील्स सोर, मस्ट कीप बेंट फॉरवर्ड इन हिज पोजिशन ही फील्स मच मोर कंफर्टेबल, मूत्राशय में सोरनेस जैसा दर्द, रोगी को आगे की ओर झुके रहना पड़ता है ताकि वह इस दर्द को सह सके, डिजायर टू यूरिनेट मोर ऑफन देन यूजुअल बट डिड नॉट पास मच एट ए टाइम, यूरिन हाई कलर्ड, सामान्य की तुलना में बार बार पेशाब की हाजत महसूस होती है किंतु मात्रा में पेशाब अधिक नहीं होता, पेशाब का रंग गहरा होता है। डायबिटीज की दशा में लैक्टिक एसिड के रोगी को यूरिन इन लार्ज क्वांटिटीज पास्ट फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी अधिक मात्रा में पेशाब आने लगता है, टंग ड्राई पार्स्ड स्टिकी, जीभ सूख जाती है और चिपकती है, वोरेसियस एपेटाइट एंड ग्रेट थर्स्ट, उसे भूख प्यास बहुत लगती है, डेबिलिटी वियरीनेस ऑफ लिम्स एवर्जन टू एक्सरसाइज, भुजाओं और टांगों में बहुत कमजोरी और थकान, व्यायाम की अनिच्छा होती है, स्किन हार्ड एंड ड्राई नो स्वेट, त्वचा सूखी व कड़ी हो जाती है, पसीना नहीं आता, यूरिनेट्स फ्रीक्वेंटली डे एंड नाइट, द अटेम्प्ट टू रिटेन इट काजेस पेन, दिन रात बार बार पेशाब करने जाता है, पेशाब रोकने से दर्द होने लगता है, हेडेक, बेटर फ्रॉम प्रेशर वर्स फ्रॉम मोशन, सर दर्द में दबाने से आराम होता है, हिलने डुलने से तकलीफ बढ़ती है, नासिया वर्स बाय मोशन, हिलने डुलने से मतली बढ़ती है, पेन इन द अपर थर्ड ऑफ राइट चेस्ट व्हिच फील्स सोर, पेन इज वर्स फ्रॉम मोशन, मोस्ट रिलीफ फ्रॉम फोल्डिंग द आर्म्स अक्रॉस द चेस्ट, इज कंपेल्ड टू कीप द आर्म क्लोज टू द साइड टू अवॉइड पेन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट हिज कोट ऑन और ऑफ, दाहिनी ओर छाती के ऊपरी भाग में सोरनेस जैसा दर्द जो हिलने डुलने से बढ़ता है, भुजाओं को मोड़कर सीने पर रखना पड़ता है ताकि दर्द को सह सके, दर्द से बचने के लिए भुजा को शरीर के बगल सटा कर रखना पड़ता है, रूमेटिक पेन्स इन द बोन्स वर्स ऑन मोशन, रूमेटिक पेन इन मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट्स वर्स फ्रॉम मोशन, हड्डियों में तथा हाथ की उंगलियों के जोड़ों में बाई बात का दर्द जो हिलने डुलने से बढ़ता है, पेन इन द नीज व्हेन वॉकिंग रेंडरिंग द ज्वाइंट स्टिफ एंड वॉकिंग पेनफुल, चलने फिरने में घुटनों में दर्द, घुटनों में कड़ापन, अकड़न जिससे चलना फिरना कष्टसाध्य हो जाता है, रूमेटिक अर्थराइटिस ऑफ स्मॉल ज्वाइंट्स ऑफ बोथ हैंड्स रिस्ट्स एल्बोज, अफेक्टेड ज्वाइंट्स आर रेड स्वेलन एंड पेनफुल, द पेन्स हैव इवनिंग एग्रेवेशन, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मोशन ही फेल्ट वेरी टायर्ड एज इफ ही हैड वॉक्ड ए लॉन्ग डिस्टेंस, कंप्लेंट्स इन इवनिंग आर वर्स इन द इवनिंग, हेडेक, फुलनेस इन द थ्रोट व्हिच कीप्स हिम स्वेलोइंग फ्रॉथी म्यूकस, कोल्ड स्पॉट ओवर द राइट ईयर इट फील्स लाइक ए स्टोन, नौसिया आफ्टर ईटिंग, नौसिया ड्यूरिंग आफ्टरनून एंड इवनिंग, पेन्स इन द ज्वाइंट्स इन द इवनिंग, ग्रेट जर्किंग ऑफ द मसल्स एंड रिगर ऑल ओवर बॉडी इन इवनिंग,
itching and burning on going out into cold air in left half of body, left arm, hand and leg in the evening. Swallowing solid food is very difficult. It is almost impossible to force solid food into the esophagus. Semi-fluids more easily and fluids easily swallowed. Restless all night, could neither lie still nor sleep. Sweat acrid and profuse, urine clear or high colored and frequent, profuse or scanty. Rheumatic soreness in muscles of chest, back and extremities. Rheumatic inflammation of elbows, knees and small joints of upper and lower extremities. Worse at night and from motion. Rheumatic pain with much weakness. Fever with headache and fullness of head. Trembling of whole body while walking. Limbs feel chilly. यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाएं ताकि अगले वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप होम्योपैथी में क्या जानना चाहते हैं। मैं उस विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को धैर्यपूर्वक अंत तक देखने के लिए आभार और धन्यवाद। होम्योपैथी सेफर एंड सुपीरियर मेडिसिन। यूज होम्योपैथी, स्टे हेल्दी एंड इम्प्रूव योर इम्यूनिटी।